तिल भूज लिया, तिल को सकरात के तिल है इसको भूज लिया, भूज के अब गुड़ पिघला रहे हैं। अब तिल देख लेना, तिल है ये लड्डू बनेगा, तिल के गुड़ पिघला रहे हैं, इसमें लड्डू बनाएंगे। तैयार हो गया, अभी पता लग जाएगा, थोड़ा सा पकेगा तो पता चल जाएगा अभी तैयार हो गया है। इसमें लड्डू, उसमें तिल डाल देंगे, लड्डू बनेगा। अभी नहीं तैयार हुआ, बहुत गीला है। गुड़ में थोड़ी सी पानी डालते हैं पिघलाने के लिए, पर इसमें नहीं, तो देसी गुड़ था नहीं डालते, तभी तो थोड़ा सा डाले। ये भी पानी पानी हो गया, ये देखो पतला हो गया, थोड़ी देर में ये पक जाएगा बिल्कुल। वो बाजार वाला गुड़ के गुड़ते ना, वो किच के करता है, किरकिर नहीं। कितनी खुशबू आ रही है अच्छे से, पर जाएगा तो थोड़ा पानी पड़ जाएगा, थोड़ा पानी सूखेगा तो बन जाएगा। देसी गुड़ है, गांव का अपने हाथों से बना हुआ गुड़ है, बाकी बाजार के गुड़ इतना अच्छा नहीं होता है, कभी बनता है कभी बनता नहीं। अभी जैसे जैसे पकेगा ना, वैसे वैसे कम हो जाएगा। इसी को बहुत अच्छा हुआ, हाँ इसी को खा सकते हैं, खाने वाले हो गए निकाल दें। चम्मच से तो मुंह जल जाएगा। सिम्बा भी बैठा है, सिम्बा भी खाएगा, सिम्बा को दिखा दो, सिम्बा का लड्डू बनेगा, पर तिल के लड्डू तो सुबह मिलेगा। सिम्बा कल सकरात है ना, सिम्बा जी से निहार धोके बैठा हुआ है, कर सुबह पहले तो सुबह नहा के खाना होता है, दही चूरा और तिल की लड्डू मिलेगी सुबह, तो सुबह उठ के तू 6 बजे नहला लियो, ठीक है। ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, सिम्बा कह रहा अभी लड्डू दे दो, गुड़ खाएगा, गुड़ भी मांगता है। सिम्बा खुशबू आ रही है, आ रही है, महक आ रही है, देखो इतनी अच्छी खुशबू आ रहा था, सिम्बा खुशबू सूंघ के आया है। तार बनाने हैं, हो गया, जल रखाला हो गया ना, हो गया ये, हाँ बन गया है। अब इसमें तेल डालेंगे, गर्म हो जाते थोड़ा ठंडा हो जाए तेल डालेंगे, ज्यादा गुड़ लग रहा हो गया। ला प्लेट में निकाल दे, इसको गरम गरम खाने से ना अच्छा रहता है, गरम गुड़ है तो ठंडी है, गुड़ बहुत टेस्टी लगता है, इसे खाते गीला गीला तो गिरे ना हाथ पे, आराम से ले जाना, देख पिघल रहा है आराम से, ठंडा होने दे, हाँ थोड़ा सा ठंडा और निकाल दे, टॉफी हो गई है, जम जाएगी टॉफी भी, तो जम जाएगा, और निकाल दे, छोड़ ना ये छोटा दिखा रहा था, ये देखो इसके बाद ये देखो बन रहा है खाना, ये देखो तार बन गया, ये रेडी हो गया, हाँ
अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ओके, एक तार, इसमें तार बनानी होती है? नहीं, तार बनेगा तभी बन जाएगा, लेकिन इसका ये जिसको नहीं पता है उसको इसे तार बना ले कि तार बन गया है। अब इसको थोड़ा हमने गैस बंद कर दिया। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे, फिर इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, अभी तो थोड़ा जल जाएगा, थोड़ा ताव कम होने देते हैं। तिल डालेंगे, डाल दिया। इसको मिलाओगे? इससे कूड़े कम हो जाते सब। ये बन रहे पूजा के लड्डू। तब बोलो, ये हमारा गुड़ ज्यादा हो गया, पंजाब से गुड़ ज्यादा हो गया है, तब इसमें मुरमुरे डाल देते हैं। चूड़ा भी डाल सकते हैं भून के, लेकिन डाल सकते हैं ताकि ये बराबर से गुड़ कम और ला थोड़ा सा और निकालना। तिल और मुरमुरे के लड्डू, ये देख, दिख रहा है? हाथ में पानी लगा के लड्डू बना रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट बनेगा तिल और मुरमुरे के लड्डू। इसमें चूड़ा भी डाल सकते हैं, बल्कि भून के डालना पड़ता है। अब हमारा गुड़ ज्यादा हो गया, हम अभी चूड़ा डाल नहीं सकते, चूड़ा भूनना पड़ेगा। ये देखो बन गया तिल मुरमुरे के लड्डू। अब हम कैसे करते हैं, तिल ले आते हैं बाजार से, तो बिल्कुल व्हाइट होता है, व्हाइट होती है तो उसको भून लेना है ना, लेकिन तेल कुछ नहीं डालना है उसमें, बस कढ़ाई में भून लेना है। भूनने से थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, ब्राउन होने के बाद गुड़ हमने पका लिया, अभी लड्डू बन गए सारे। अब देखो हमारे गुड़ ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा मुरमुरा मिला दिया, मीठा भी कम हो गया, सही है। अभी ये चिपक गया है, इसको क्या करें, इसको नुकसान नहीं करना है, इसको फिर चूल्हे पर डाल दें। ऐसा चूल्हे पर डालेंगे ना, थोड़ा सा गैस करेंगे। अब देखो ये सब निकल जाएगा अपने आप ही, जादू। हाँ, थोड़ा सा पिघलेगा ना तो ये अपने छोड़ देगा, इसको फेंकना नहीं है, इतना वो करना नहीं है। देखो एक किलो तिल था, आधा किलो गुड़ डाले हैं, 150-200 ग्राम इसमें वो था मुरमुरे। अब देखो कितना सारा लड्डू बन गया, सकरात की लड्डू तिल के। ये देखो सब छूट रहा है ना, ये देखो छूट रहा है, तो ऐसे कर लो, थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा, ये भी छूट जाएगा, जैसे जैसे गर्म होगा वो छूटता रहेगा। अब कितनों क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी चिपक गया, इसको क्या करें, फेंक देते हैं, इसको फेंकना नहीं है, इसको गर्म करेंगे सब छूट जाएगा। देखो सब छूट रहा है,
छुड़ा दो, पानी लगा दो, चिपकेगा। जल्दी चलो, जल रहा मीठा मीठा हो, किचन साफ करते हैं। इसको छोड़ा उधर, चूड़ा के लड्डू बनाना है। जैसे चूड़ा भून के गुड़ पिघला के ऐसे ही बन जाता है, या मुरमुरे के लड्डू बनाना है तो खाली गुड़ पिघला लो, मुरमुरे डाल दो, उसको लाल चढ़ के ऐसे ही इतने बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े चाहिए व्हाइट व्हाइट भी इनको लड्डू बन जाएगा। तो वही तिल के लड्डू कितने अच्छे बने हैं, बाजार से अच्छा बनता है, स्वाद लगता है, अपने हाथ से बना है।